अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम नदीम मोहिद्दीन खान, मैं एक इस्लाम रिलीजन से ताल्लुकात रखता हूँ। देखिए, मेरी कंट्रोवर्सी बाबा खान के नाम से एक आईडी है 78651 करके, तो उस आईडी में जो भी कंट्रोवर्सी करता हूँ, जो भी बातें करता हूँ, वो सेकुलरिज्म होती है मेरी बातें। तो मुझ पर कई ब्लेम लगाए गए और इस ब्लेम के चार लोग कारण थे जिनका नाम मैं लूंगा नहीं। मैंने एक बात बोली उसके अंदर, उस वीडियो में, कि जैसे कि रामगिरी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है, घटना घड़ी थी जो, तो तेरा धर्म सच्चा है तो तू मुझे बता, मैं तेरा धर्म अपनाऊंगा, और अगर मेरा एक खुदा है मैं तुझे बताऊंगा, तू मुझे वो धर्म बताएगा क्या? तो मुसलमानों की उस बात पे मैंने वो कंट्रोवर्सी की कि अगर ये कहते हैं कि इस्लाम झूठा है और ये धर्म सच्चा है तो मैं मेरा धर्म छोड़ूंगा ना। मैंने वहां धर्म छोड़ने की बात ही नहीं की थी। इस वीडियो को एक मुंबई ब्रेकिंग न्यूज है उसने इस कदर चलाया कि नदीम ने धर्म छोड़ने की बात कर दी। हमारे इस्लाम में अगर एक समझदार इंसान पूरे वर्ल्ड के, मैं मौलाना मुफ्तियों के सामने ये बात रखना चाहूंगा कि कुरान की कसम को खाने का बात ये एक शिर्क होता है कि नहीं? मैंने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम जो है वो अल्लाह की कसम खा सकता है। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ कसम मेरी खाओ, कलाम की नहीं। उनको भी इन्होंने तोड़ मरोड़ के एडिटिंग करके पेश किया जिससे पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मच गई। एक सिंपल सा सवाल, कोई अपने जिस्म से अपनी उंगलियों को अलग कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो नदीम खान अश्वदुल्ला इलाहा इल्लल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह से कैसे अलग होगा? मैं अपना कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। इन लोगों ने इंस्टाग्राम से मुझे उड़ाने के लिए और इंस्टाग्राम से मुझे भगाने के लिए और मेरी आवाज बंद करने के लिए सोशल मीडिया की ये झूठी बातें गढ़ी जो मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा कर देगी। इन्होंने अपनी टीआरपी के लिए मेरा नाम बदनाम किया। मुमरा सिटी में रहता हूं, मुमरा शहर में रहता हूं। मुमरा शहर पे अगर कोई हिंदू, कोई मुसलमान पे कोई भी तकलीफ हुई, जिस तरीके से अकेले लड़ते हुए आया हूं, अपनी पावर से आज भी अकेले लड़ूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, किसी की ताकत नहीं लूंगा। मुझे पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह के मौलानों ने कहा कि तुम गलत नहीं हो नदीम भाई, तुम सही हो, तुमने सही जुमला बताया कि तुम कुरान की कसम नहीं खा सकते, तुम अल्लाह की कसम खा सकते हो। और जो चैलेंज की बात रही कि भाई जब अपना धर्म तुम बता दो सच है तो मैं वो धर्म में आ जाऊंगा, और मेरा धर्म अगर सच है तो तू मेरे धर्म में आएगा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी। सारे मुसलमान से मैंने मदद मांगी थी कि मेरी आवाज बंद करने की कोशिश है, कि मैंने रामगिरी को जवाब दिया था और उसको कुछ चंद लोगों ने मेरी आवाज बंद करने के लिए ये छोटे छोटे सोशल मीडिया पे डालना चालू किया, ट्वीट करना चालू किया। तो किसी के बोलने से नदीम खान इस्लाम नहीं छोड़ेगा, इस्लाम में शहादत लेगा, इस्लाम के लिए जान देगा, लेकिन इस्लाम की बात को कभी नहीं छोड़ेगा। बस मेरे मुसलमान भाइयों से ये कहूंगा, मैं मेरी जगह पे अल्लाह मेरा हाजिर नाजिर है, अल्लाह मेरा देखने वाला है। आप लोग से मैं जो सामने बात थी ये किया, ये बात मेरी सच थी। मेरा चैलेंज रामगिरी पे था, किसी और पे नहीं था। रामगिरी ने मेरे नबी को गाली दी, मेरे नबी के बारे में गलत बोला, बस उस पर मैंने कहा कि तुम इस बात को आगे लाओ, तुम्हारा धर्म सच है तो मैं इस्लाम छोड़ूंगा, तुम्हारे धर्म में आऊंगा, अपना इस्लाम छोड़ दूंगा। अगर मेरे साथ कोई मुसलमान नहीं खड़ा हुआ तो मैं क्या धर्म परिवर्तन कर दूंगा?
धर्म छोड़ दूंगा मैं, ये बात थी। अकेला लड़ता हूं, अकेला ही लड़ूंगा, दैट्स ऑल। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।